तालीम के बगैर तरक्की मुल्क नहीं करते। महकमा तालीम हुकूमत पंजाब की जानिब से तलबा व तालबात के लिए रवायती तरीका तदरीस से हटकर रिसर्च बेस लर्निंग के हवाले खसूसी प्रोजेक्ट SMCT के नाम से शुरू किया गया है, जिसमें स्टूडेंट के दरमियान साइंस, रियाजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी के मॉडल्स तैयार करवाकर मुकाबले करवाए गए। इन मुकाबलों में ज़िला भर के एलिमेंट्री सेकेंडरी इदारों के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले इंतजामिया के साथ साथ MP आमिर अनाय शाहानी मेहमान खसूसी थे। तलबा ने साइंस, टेक्नोलॉजी, रियाजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्तलिफ मॉडल्स तैयार किए और इस हवाले से उन्होंने मेहमानों को खसूसी ब्रीफिंग भी दी, जिसमें मेहमानों ने खसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। प्रोग्राम से खिताब में डिप्टी कमिश्नर भक्कर सैयद मूसा रजा नासिर, MP आमिर अनाय शाहानी ने तलबा की हौसला अफजाई करते हुए कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखें, दुनिया में हमने जब कम्पीट करना है तो ज़ाहिर है आपके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने किया ऐसे किया। मिसाल मैं अभी स्पीच में भी यही दे रहा था कि चाइना ने 60s तक तो वो हमसे पीछे थे, अब देखें दुनिया की प्रैक्टिकली सुपर पावर वही है। तो उन्होंने ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से वो इस हद तक उन्होंने तरक्की की है। तो ज़ाहिर है साइंस और टेक्नोलॉजी और एक विजन, जब तक बच्चे को निचले लेवल तक वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी जो उस ममालिक में या उन ममालिक की जिनकी हम एग्जांपल कोड करते हैं, उन्होंने बच्चे को फ्री छोड़ा है, उनको फैसिलिटी दी है, ऐसा माहौल दिया है जिसमें उन्होंने ग्रोथ किया जी। और आज आप देख रहे हैं जी कि हर दुनिया के तमाम ममालिक ऐसे मुल्कों की तरफ देखते हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि सिलेबस से हट के एक नया इन्होंने एक ये जो कल्चर डेवलप करने की कोशिश की है, तो मैं इसको बड़ा सराहता हूँ कि बच्चा खुद दिखाए कि वो उसके अंदर क्या टैलेंट है। हमने तो उसे ग्रूमिंग के लिए जो माहौल प्रोवाइड करना है वो उसको करना है, लेकिन प्रैक्टिकली मेहनत उसने खुद करनी है, लेकिन माहौल उनको हमने देना है। तो गवर्नमेंट इसकी सरपरस्ती कर रही है, जो कि खुश आइंदा। सर बखर में एजुकेशन के हवाले से मज़ीद कौन से प्रोजेक्ट जो हैं इस वक्त पाइपलाइन में है या फर्दर उनका आगाज़ होने वाला है? देखें, एक तो ये हमारा तकरीबन 250 मिलियन का एक प्रोजेक्ट तकरीबन तैयार हो चुका है, जो ये गवर्नमेंट कॉलेज डिग्री कॉलेज में है फॉर बॉयज़ जी। उसका हम मैं तो चाहता हूँ कि अब CM साहब आ जाएं सेनेट इलेक्शन के बाद, तो उनकी हम इफ्तिताह करना चाहते हैं, नहीं तो हम खुद करेंगे। तो ये यूनिवर्सिटी आपको पता है उसकी ज़मीन भी ट्रांसफ़र हो गई है, वो भी किसी टाइम वहाँ काम शुरू हो जाएगा। तो एजुकेशन सेक्टर में तो बेताजा स्कूल हमने बहुत सारे अपग्रेड कराए हैं, यानी बखर की हिस्ट्री में इतने किसी ने स्कूल अपग्रेड नहीं कराए।